प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वीडियो लिंक के जरिए दोनों देशों के बीच मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का उद्घाटन किया, जिसका लंबे समय से इंतजार था। माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट से नेपाल में न सिर्फ तेल भंडारण की समस्या का समाधान होगा, बल्कि पर्यावरण को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी रिफाइनरी से दक्षिण पूर्व नेपाल के अमलेखगंज तक जाने वाली इस पाइपलाइन से ईंधन का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि 69 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से भारत से नेपाल के बीच ईंधन के ट्रांसपोर्ट पर खर्च में काफी कमी आएगी। गौरतलब है कि इस पाइपलाइन परियोजना का प्रस्ताव 1996 में पहली बार पेश किया गया था, लेकिन उसे गति नहीं मिल सकी थी। मगर साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल दौरे के बाद दोनों देशों के बीच परियोजनाओं के लिए समझौता हुआ, जिसके तहत अब हर साल करीब 1.3 मिलियन टन ईंधन नेपाल भेजा जाएगा। सीमा पार ईंधन परियोजना के कमर्शियल ऑपरेशन से ईंधन में करीब 1 रुपए प्रति लीटर की कमी भी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।